सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन का प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो हासिल करने के लिए। ये सब फ्री है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शाहीन। आज मैं आपसे दाल करेले बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज लिए है 5 से 6 अदद है, करेले लिए 1 kg के करीब है, दाल लिया चने की दाल है उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया 1.5 पाव के करीब है, गरम मसाला पीसा हुआ है, लाल मिर्च पीसी हुई है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, 4 से 5 अदद हरी मिर्ची है, धनिया फ्रेश धनिया है, 4 से 5 अदद टमाटर है, दही लिया है, सूखा धनिया पीसा हुआ, नमक लिया है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी दाल को बॉईल करेंगे जिसको हमने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और उसमें 1/4 चम्मच जो है वह नमक शामिल करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे और आधे 20 से 25 मिनट के लिए इसको बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम अपने करेले काटेंगे, ये देखिए इस तरीके से। पहले आगे से डंडी उतारेंगे और पीछे से और इस गोल शेप में काटेंगे। इसका छिलका बिल्कुल नहीं उतारेंगे, बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, ये देखिए बिल्कुल गोल शेप में। तमाम करेलों को इसी शेप में काट लेना है, गोल शेप में छिलके समेत, छिलके को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। ये देखें, देखें मैंने तमाम करेले काट चुके हैं गोल शेप में और बिल्कुल छिलके समेत मैंने काट लिए है और बीजों के समेत। अब हम इस पे ऊपर नमक लगा देंगे, 2 चम्मच नमक लगाएंगे। नमक लगाने से ये होगा कि करेलों में की करवाहट ख़त्म हो जाएगी और इसको अच्छी तरह से ऐसे तमाम करेलों को इस तरह लगा के रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। को मैंने अच्छी तरह से धो लिया, उसका नमक निकाल दिया है। अब इसका पानी हम निचोड़ेंगे। ये मैंने मलमल का एक कपड़ा लिया है, ये देखिए। अब हम इसमें रखते जाएंगे अपने करेले और इस तरीके से हल्के हाथों से इसको प्रेस करेंगे, ये देखिए। देखिए हमारे करेले हमने मलमल के कपड़े में उसका पानी खुशक कर लिया, निचोड़ लिया अच्छी तरह से। दाल हमारी बॉइल्ड हो चुकी है, प्याज भी काट ली और टमाटर भी। चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम करेलों को फ्राई करेंगे। ब्राउन हो चुकी है, अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई किया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम अपना प्याज शामिल करेंगे। 5 से 6 दिन मैंने प्याज लिया था धनियाले साइज का, इसको हम ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, इसे मैं काट लिया। अब बाकी मसाला जो शामिल करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पीसी भी डालेंगे 1.5 चम्मच के करीब, हल्दी डालेंगे, हल्दी ज़्यादा डालेंगे 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1/4 चम्मच ले लें, दही शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 5 से 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रख लेंगे। थोड़ा सा पानी आने चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा,
मसाला हमारा रेडी है। अब आप इसमें अपने करेले शामिल करेंगे जो हमने फ्राई कर लिए थे 10 से 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें दाल शामिल करेंगे, इसको हमने बॉईल कर लिया था। सूखा धनिया पिसा हुआ डालेंगे 2 चम्मच। जीरा शामिल करेंगे 2 चम्मच, 2 टीस्पून। हरा धनिया शामिल करेंगे, 2 टीस्पून। देखिए कितना अच्छा कलर आया। देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इसको। अब 5 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे, रख देंगे। दाल करेले हमारी रेडी है। आखिर में हम 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। दाल करेले तैयार है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू। हरा भरे करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 8 अदद करेले हैं, उनको मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश करके खुशक कर लिया है। सबसे पहले इसको काटेंगे, पीलर की मदद से छिलका उतारेंगे। ये स्टार से थोड़ा सा काटेंगे, डंडी उतारेंगे, इसका हम पीलर की मदद से छिलका उतारेंगे। छिलका हम चारों तरफ से उतार लेंगे पीलर की मदद से। इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, यह हम मसाले में यूज करेंगे। छिलका हमने उतार लिए, अब छुरी की मदद से कट लगाएंगे। इस तरह कट लगाने के बाद आहिस्ता से बीज इसके निकाल देंगे। पीलर की नोक की मदद से तमाम बीज निकाल दें। अब बीज निकाल के मैंने खाली कर लिए। इसी तरह बाकी तमाम करेले काट लेंगे। करेलों का मैंने छिलका अच्छी तरह से उतार दिए, करेलों को मैंने कट लगा दिया पैरों। ये देखें बिल्कुल खाली हो चुके हैं। अब नमक लगाएंगे 1/2 टीस्पून, करेले के छिलकों के ऊपर नमक छिड़केंगे। नमक लगाने के बाद आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि छिलकों की कड़वाहट खत्म हो सके। बाकी जो थोड़ा सा नमक हल्के हाथ से छिड़क देंगे। इसको हम वॉश नहीं करेंगे, ये लगा रहने देंगे और इनको हम धो लेंगे। आला भरे करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया मैंने 1/2 कप। सबसे पहले मसाला रेडी करेंगे। करेलों के छिलके मैंने नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। अब इसका पानी निचोड़ लिया धो के अच्छी तरह से ताकि इसकी कड़वाहट कम हो जाए। अब ऑयल में इसको फ्राई करेंगे हल्का से। जैसे ही थोड़े से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे सब प्याज शामिल करेंगे। एक ही छिलकों को हमने लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है हल्के से, साथ ही हम प्याज शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज के प्याज हैं, इसको मैंने बारीक शेप में काट लिया है।
साथ फ्राई करेंगे इसको भी साथ ही। जैसे प्याज हमारे थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएंगे टमाटर शामिल करेंगे हमारे ब्राउन हो गए करेलों के छिलकों के साथ, साथ ही हम बीज भी शामिल कर लेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून है, उनको भी मैंने कूट लिया था बीजों को, ये साथ शामिल करेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे छिलकों के साथ, इसमें टमाटर शामिल करेंगे, एक बड़े साइज का मैंने टमाटर लिया था उसको बारीक काट लिया, अनारदाना पीसा हुआ शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, इसको मैंने पीस लिया कुंडी में अच्छी तरह से धो के, साथ हम कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 टी स्पून, बाकी मसाला जार शामिल करेंगे, सिर्फ मिर्च पिसी भी शामिल करेंगे 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 5 टी स्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टी स्पून, जीरा शामिल करेंगे 1 टी स्पून, सूखा धनिया पीसा हुआ शामिल करेंगे 1 टी स्पून, गरम मसाला पीसा हुआ शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून, और आखिर में हम कलौंजी शामिल करेंगे 1/2 टी स्पून, नमक मसाला अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार भरे हुए करेले बनेंगे मसाला भरे। अब हम 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पे, लो फ्लेम पे कवर कर दिया था 1 मिनट के लिए, मसाला हमारा रेडी हो चुका हुआ है, आखिर में हम हरी मिर्ची शामिल करेंगे, 2 हरी मिर्ची हैं मैंने उनको बारीक काट ली है, हरा धनिया शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे, मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम करेलों के अंदर इसको फिल करेंगे, मसाला हमारा तैयार हो गया, अब हम करेलों के अंदर फिल करते हैं, इसी तरह मुँह खोल के इसके अंदर जितना मसाला भरा जा सकता है उतना भर लें, बहुत ही मज़ेदार मसाले का जायका है, अब फिल कर दिया है मैंने, अब धागे की मदद से एक नलकी लेंगे सफ़ेद कलर की, किसी भी कलर की ले सकते हैं ज़रूरी नहीं सफ़ेद कलर की हो, इसी तरह हम दोनों हाथों से पकड़ के हल्के हाथों से इसी तरह धागा रोल करते जाएंगे, और आखिर में हम गिरा लगा देंगे ऐसे ताकि खुले ना, इसी तरह बाकी तमाम करेलों के अंदर फिल कर लेंगे। तमाम करेलों को मैंने धागे की मदद से अच्छी तरह से बांध दिया है, अब करेलों को फ्राई करेंगे, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसी तरह आप करेले एक एक करके शामिल करते जाएंगे, जैसे ही ब्राउन हो जाएंगे इस साइड से फिटन करेंगे, करेलों को हम साथ साथ चल करते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गोल गोल बनाते जाएंगे ऐसे, इसी तरह इसको को बाकी सबको इसी तरह करेले हमारे
चारों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए बहुत अच्छा कलर आ चुका है। आप निकालते जाएंगे एक एक करके। पैन में हमने मसाला रेडी किया था, अब उसी देशकी में करेले शामिल करेंगे, उसको दम लगाएंगे। बाकी जो हमारा मसाला बच गया था वो शामिल करेंगे। आखिर में हम हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करेंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर करके रखते हुए, 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कवर कर दिया था। मसाला भरे करेले हमारे रेडी हो चुके हुए हैं। मैंने 5 मिनट के लिए जो लो फ्लेम पे कवर किया था, पत्री का मैंने दम दिया था। चले भाई आपको डिश ऑफ मसाला भरे करेले हमारे रेडी हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू। करेले बनाना स्टार्ट करते हैं। 1/2 kg मैंने कीमा लिया है, 2 प्याज ऐड करेंगे, 2 लार्ज साइज के प्याज हैं, 8 से 10 अदद लहसुन के जवे हैं, 1 ऐड कर दिए। अब 1 टेबलस्पून भर के जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे। लार्ज साइज का एक टमाटर है वो ऐड कर देते हैं। 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे जिसमें हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा। स्पाइसेस भी साथ ही ऐड कर देते हैं, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और लास्ट में हम नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया अच्छी तरह से, अब हम कवर कर देंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जैसे ही हमारा कीमा अच्छे से गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद भूनेंगे और उसके बाद करेले ऐड करेंगे। आप कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। कीमा हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दी है। दूसरी तरफ हम करेले काट लेते हैं। 1/2 kg मैंने करेले लिए। करेलों को हम छिलके समेत ही काटेंगे, सबसे पहले डंडी काटेंगे आगे से। करेलों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया, वॉश कर लिया, ड्राई कर लिया, ऊपर से अच्छी तरह मलमल के कपड़े से खुशक कर लिए। ऊपर से हम छिलका उतारेंगे नहीं, वेस्ट नहीं करेंगे और करेलों को हम बीज के समेत ही काटेंगे। इस तरह बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, कीमा करेले बहुत ही अच्छे बनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरह तमाम करेले हम काट लेंगे और काटने के बाद हम 1 टीस्पून भर के नमक लगाएंगे और नमक लगाने के बाद हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तमाम करेले मैंने काट लिए, अब नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के और इसी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के लिए रख दें। नमक लगाने का मकसद ये कि करेलों के अंदर से कड़वाहट दूर हो जाती है। 15 से 20 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद हम अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लेंगे, उसके बाद मलमल के कपड़े से अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। कीमा हमने एक तरफ पकने के लिए रख दिया था, कीमा हमारा पक रहा लो फ्लेम पर। दूसरी तरफ हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। करेलों को मैंने नमक लगा कर रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रख दें। अब हम मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है पैन के अंदर। करेलों को मैंने धो लिया है, 3 से 4 पानी निकाल दिया, नमक निकाल दिया इसमें से अच्छी तरह से, नमक नहीं रहना चाहिए।
बीज अगर आपको नहीं पसंद है तो आप स्टार्ट में ही बीज निकाल दें। होल करने के बाद बीज के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। दोनों तरफ से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा फिर हम निकाल लेंगे। करेलों को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिया, दोनों तरफ से कलर चेंज हो चुका है, अब निकाल लेंगे। ऑयल जो बच जाएगा वो हम कीमे में ऐड करेंगे, यही वाला ऑयल हम शामिल करेंगे। करेले हमने फ्राई कर लिए, अब निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम थोड़ा सा प्याज भी ऐड करेंगे। दो लार्ज साइज के मैंने प्याज लिए, उनको स्लाइस में काट लिया, वो ऐड करेंगे। करेले हमने फ्राई करने के बाद निकाल लिए। अब इसी ऑयल के अंदर हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज मैंने दो लार्ज साइज के लिए। प्याजों को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा फिर निकाल लेंगे। और ये जो बाकी ऑयल बच जाएगा हम कीमे के अंदर शामिल करेंगे और कीमे को भून लेंगे अच्छी तरह से। और भूनने के बाद हम प्याज और करेले ऐड कर देंगे कीमे में। लास्ट में हम हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। जैसे प्याज हमारे फ्राई हो जाते हैं, कलर चेंज हो जाते हैं, निकाल लेते हैं। प्याज को हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लिए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज डालने का मकसद ये है कि कीमा करेले आपके बिल्कुल ड्राई नहीं बनेंगे, अच्छे बनेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। प्याज निकाल लेंगे और जो ऑयल है वो हम कीमे के अंदर शामिल कर देंगे। कीमा हमारा तकरीबन गल चुका हुआ है, पानी भी खुशक हो गया। अब यही बार ऑयल हम कीमे के अंदर शामिल कर देंगे और कीमे को हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे अच्छी तरह से। जैसे अच्छी तरह से भून जाएगा फिर इसमें शामिल करेंगे प्याज और करेले। कीमे को हमने मीडियम फ्लेम पर भून लिया, अच्छी तरह से तली भी आ गई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसमें हम प्याज और करेले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम करेले ऐड करेंगे। करेले हमने शामिल कर दिए। अब प्याज ऐड करेंगे जो हमने फ्राई कर लिए थे। प्याज और करेले हमने ऐड कर दिए। अब 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद हम हरा धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड कर दिया। अब लास्ट में हम जीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। और आखिर में 1/4 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। तमाम स्पाइसेस मैंने ऐड कर दिए, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। प्याज करेले हरी मिर्ची और हरा धनिया ऐड कर दिया, स्पाइसेस भी ऐड कर दिए, अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कीमा और करेलों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए दम लगाएंगे लो फ्लेम पर और कवर करके रख देंगे। 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दिया था, दम आ चुका है कीमा करेलों को, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। कीमा करेले हमारे रेडी हो चुके हैं, चूल्हा बंद कर देंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कीमा करेले तैयार हैं। इसके साथ मैंने प्लेन योगर्ट सर्व किया है। जब भी आप करेले बनाएं उसके साथ दही का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि करेलों की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। आपको अगर आज की रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।